पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ ने विवादित एसएचओ के खिलाफ हुए सभी पत्रकार एसएचओ को निलंबित करने की पत्रकार समर्पित संघ ने किया मांग। पत्रकारों पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमों के विरोध में मऊ जिले के पत्रकारों ने को सौंपा ज्ञापन। मिला है क्या मामला है? ये पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमे उत्पीड़न को तत्काल रोकने के संबंध में है और ये आपका राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ ने दिया है। जिला अधिकारी महोदय को संबंधित है, ये जिला अधिकारी महोदय के समक्ष जो है आवश्यक कार्रवाई है प्रस्तुत किया जाएगा। तो सर क्या माना जाए कि मऊ जनपद में ये पत्रकार को उत्पीड़न हो रहा है? आप इसमें लिखा है, आपको पढ़ के सुनाया गया, आप पढ़ सकते हैं। ये दक्षिण टोला थाना के विरुद्ध भी इसमें लिखा गया है। अब इसकी ये जाँच का विषय होता है, ये जाँच कराइए। आज पत्रकारों की समस्या को लेकर हम लोग पुलिस एसपी मऊ से, पुलिस अधीक्षक मऊ से आज मिले हैं। दरअसल इन लोगों की रवैया पत्रकारों के प्रति बहुत ख़राब हो गई है। आए दिन पत्रकारों को खबरों चलाने के ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं, जानबूझकर द्वेषवश पत्रकारों की गाड़ियों का फोटो खींच के चालान भेज दे रहे हैं 5,000-6,000। बड़ी हास्यास्पद बात है, एक खबर, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मोटरसाइकिल के चालान कटा है सीट बेल्ट लगाने पे, अगर हम खबर चला देंगे ये तो बुरा हो जाएंगे जी। तो ये सब बहुत समस्या है और ये लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं पुलिसकर्मी, और अपने तमाम गलत काम करते हैं। पत्रकार जब उसकी खबर चला देते हैं तो मुकदमा कर देंगे, ये बहुत गलत बात है, लोकतंत्र की सीधे हत्या है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस तरीके से देश और प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि अनादिकाल से पत्रकारों को स्वतंत्र रखा गया है, वो समाज के और सरकार के आईना होते हैं और सरकार को सुधरने का इसको मौका मिलता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ इस तरीके से सरकार इनको लगाम लगाए, नहीं जिस दिन आईना धुंधला हो जाएगा इनकी सरकार भी धुंधली हो जाएगी। कप्तान साहब से मुलाकात हुई, कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने, कप्तान साहब ने कहा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है, कहा है कि मैं इसकी निष्पक्ष COCT से जांच कराऊंगा और जो भी सही का सही, सही गलत का गलत होगा वो रखा जाएगा पटल पे। और उन्होंने कहा है कि आप लोग जाकर COCT के अपने जो भी तथ्य हैं, साक्ष्य हैं अपने बेगुनाही के, उसको आप लोग उनको सपुर्द करिए और उसके अनुसार आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है। देखिए, पत्रकार उत्पीड़न का मामला पूरे देश में इसमें चरम पर है। BJP सरकार जब से आई है, हमको लगता है कि एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है पत्रकार उत्पीड़न का। मेरे पास जो लिस्ट है, 150 लोगों की लिस्ट है, जो 150 पत्रकार इस समय जेल में है, जो अभी तक मार खा के पड़े हैं, उनकी 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 गणना नहीं की गई है, लेकिन जो जेल में उनकी 150 की लिस्ट मेरे पास रात में आई है। स्थिति बहुत भयावह है और ये केवल मऊ जनपद में नहीं, फौजकार्मी का मामला नहीं है। हर थाने पर, कोई थाना बाकी नहीं, थाने पर किसी पत्रकार के लिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उसका चालान नहीं काटा गया है। यह स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। इसमें पत्रकार साथियों को एकजुट होकर लड़ाई में उतरना पड़ेगा, संगठन की बात छोड़ करके सबको एक साथ आना पड़ेगा। यह नहीं कि फला फला संगठन में पत्रकार केवल पत्रकार होता है, उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, कोई सुविधा कोई नहीं देता, सब अपने पास से लगा के सारी व्यवस्था करता है, न अखबार देता है, न अखबार का मालिक देता है, दिन रात मेहनत करके पत्रकार सड़क पर दौड़ता है, मिलता उसको क्या है? अगर इज्जत भी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा सड़क को? इसलिए आप लोग एकजुट होइए और सड़क को उतरिए और मुँह तोड़ जवाब दीजिए, नहीं तो आने वाला कल बहुत ही भयावह है, अब कोई नहीं बचेगा। अगर एक दूसरे पर उंगली उठाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि फला फला पेपर का है, फला फला पेपर का है, तो आप भी नहीं बचेंगे। यह स्थिति इसी तरह बनी हुई है। अभी जो उन्नाव वाला मामला आपने देखा है, कहीं CDO को आपने पीटते हुए देखा था किसी पत्रकार को? यह पहली बार इस लोकतंत्र में पहली घटना हमने सुना है कि CDO दौड़ा के पीट रहा है पत्रकार को। पुलिस मारती है तो बात समझ में आती है, लेकिन CDO दौड़ा के मार रहा है ये बात समझ नहीं आई। यह मतलब एकदम उत्तर प्रदेश में तो एकदम निरपेक्षता कायम हो गया है। अगर आप लोग एकजुट होकर के मैदान में नहीं उतरे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। फर्ज जी, मैं यहाँ के मऊ जनपद के पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि परसों मैं गाजीपुर गया था, गाजीपुर की एकता पर भाई देखने लायक थी, सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एकजुट एक आवाज़ उठाते थे वहाँ पर। हमारे यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूँगा सारे संगठनों से कि एक मंच पर आप लोग आ जाइए, आ जाइए, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। अभी फर्ज के खिलाफ मुकदमा काम है, कल जगदीश सिंह के खिलाफ है, परसों प्रवीण राय के खिलाफ होगा, ये कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग एक मंच पर आकर के लड़ाई में सम्मिलित होइए और आर पार की लड़ाई लड़िए। अब अगला कदम आप लोग क्या होगा? अगर देखिए, अभी SP साहब और DM साहब ने जो हम पत्रक दिए हैं उसकी कार्रवाई का इंतजार करेंगे, जहाँ जिसको जांच मिली है उनसे हम संपर्क भी बनाएंगे। अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो फिर बैठक होगी, बैठक के बाद सर्वदलीय आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। मैं मोहम्मद फहद कादमी, पत्रकार हूँ मारीना संदेश का।
जैसे जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न चल रहा है। अभी ताज़ा वाक्य देख सकते हैं कि उन्नाव में सीडीओ साहब ने किस तरीके से एक पत्रकार के ऊपर हमला बोल दिया और लगातार पत्रकार की पिटाई कर दी। बदले में उनको जवाबी कार्रवाई ना करते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई और उनके साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी टीम खड़ी थी उनका हक दिलाने के लिए। हमारा भी प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिस तरीके से प्रशासन की तानाशाही चल रही, इस तानाशाही को ख़त्म किया जाए और जिला स्तर से जो छोटे लोग हैं या छोटे अधिकारी या पुलिसकर्मी जो भी हैं और पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं या उत्पीड़न पत्रकारों का कर रहे हैं। जैसा आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ के एक पत्रकार एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार थे जिन्होंने अपनी हत्या की आशंका का एक वीडियो वायरल किया था, लेकिन उस मामले को गंभीरता से न लेने की वजह से उस पत्रकार की हत्या हो गई। इसके लिए भी प्रशासन को ही दोषी माना जाएगा जो कि लगातार पत्रकार का उत्पीड़न कर रहे हैं। ताज़ा मामला ये है कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में इस समय थाना दक्षिण टोला के एसएचओ डीके चौधरी साहब हैं जो इस समय व्यवस्था वहाँ बनाए हुए हैं। तानाशाह व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग किसी प्रकार से वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तक कि कप्तान साहब के यहाँ से भी आदेश लेके जाते हैं प्राथमिकी दर्ज कराने का, तो वहाँ पर भी उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाता है बल्कि माँ बहन की गालियाँ बक के भगा दिया जाता है, ये कहते हुए कि डीआईजी तक चली जाओ, थाना एफआईआर इस थाने से दर्ज होना है। तो पीड़िताओं को और पीड़ितों को जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उस क्रम में हमने समाचार को चलाया। समाचार चलाने का परिणाम ये निकला कि हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया गया और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी ट्रोल करने की कोशिश की जा रही, दबाव में लेने की मानसिक तौर पर। हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके एसओ द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके अलावा उनकी गलत गतिविधियों को दिखाना ही हमारे लिए ये पाप बनता जा रहा है। आपको बता दें कि अभी उनकी गतिविधियों में कुछ मुख्य गतिविधियां हम आपको बता दें। एक महिला द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से कप्तान साहब को बताया गया कि एक अपराधी व्यक्ति ने जो हिस्ट्री शीटर थाना दक्षिणला क्षेत्र का मनोज कुमार निगम, उस व्यक्ति ने एक महिला पे छेड़छाड़ का भरपूर प्रयास किया, उसके ऊपर न्यायालय के आदेश द्वारा मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उस मुकदमे में जिला विदिशा थानाध्यक्ष द्वारा विवेचक जो पहले से विवेचना कर रहे थे उनसे बिना किसी कारण के विवेचना लेकर के और अपने संबंध को निभाते हुए एफआईआर लगा दिया गया। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि वास्तविक घटनाएं हैं। पूरी घटनाओं को आप थाना दक्षिण टोला के सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं। आप पे मुकदमा दर्ज हुआ है? हमारे पास भी सूचना मिल रही है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तथ्यहीन मुकदमा है, क्योंकि जो भी हमने सुना है उस आधार पर पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास है उसको तथ्यहीन बताने के लिए। अभी हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अब जा रहे हैं हम लोग कप्तान साहब से मिलने के लिए। जिले के आला अधिकारियों से हमें पूरी उम्मीद है, चूंकि इस समय जिले के जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीएम साहब हैं चाहे एसपी साहब हैं, काफी ईमानदार छवि के आदमी हैं और हमको ऐसा लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं ये लोग, चाहे इनके अधिकारी हो या कोई आम आदमी हो। तो इसी निष्पक्ष कार्रवाई के लिए और पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अभी हम लोग जाके कप्तान साहब से भी मिलेंगे और उनको ये थानाध्यक्ष जो दक्षिण टोला के हैं डीके चौधरी साहब, इनको निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध जांच की मांग किया जाएगा और जो फर्जी मुकदमे जिन पत्रकारों पे मेरे सहित हुए हैं सभी को वापस लेने की बात कही जाएगी। ऊपर से आदेश होने के बाद जैसे आपने बताया कि ऊपर से आदेश तो हो रहा है मगर वहाँ पे थाने पे कार्रवाई नहीं होती, ऐसा ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि ऊपर से ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, ये सत्यता है। चूंकि इंस्पेक्टर के हाथ में पूरा पावर होता है, थाने में जो रिपोर्ट लगाएंगे आला अधिकारी तक वही रिपोर्ट पहुंचती है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो लोग साहस करके आगे बढ़ते हैं उनकी बातों को दबाने के लिए, थाना अध्यक्ष या जो संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र के होते हैं उनके आवाज को दबाने के लिए इस तरह का उपकृत करते हैं और खुद भी वो अपराध में लिप्त रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, दलालों के हाथों की कठपुतली बने हैं। बता दें आपको कि जमालपुरा में अभी एक ऊंट गिर गया था 5 तारीख को नाले में और 8 तारीख को उस ऊंट को एक एसआई के हाथ दे दिया गया, जिसमें थाना दक्षिण टोला के एसओ और एक एसएसआई की मिली भगत से इसको दे दिया गया, बलि का बकरा उसमें अपराध मेंबर को बनाया गया, पूरे ऊंट को बेच दिया गया। एसआई कौन है? एसओ है डीके चौधरी साहब थाना दक्षिण टोला के, एसएसआई सरफराज खान साहब, जिन्होंने 5 तारीख को ऊंट निकलवाया था और 8 तारीख को एक पेपर पर लिखवा करके कसाई से उसको दे दिया गया, बलि का बकरा उसको अपराध मेंबर को बनाया जा रहा है, जबकि एसओ की और इनकी मिली भगत से एसएसआई की मिली भगत से ये काम हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब सरेआम गौकशी और अवैध मांस का वितरण थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में होगा और आला अधिकारी हाथ से धरे बैठे रहेंगे अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लगता नहीं 100% सही बात है, अगर ऊंट कटा नहीं है तो ऊंट कहां गया ये बताएं। सरफराज खान साहब को ये बातें अच्छे तरीके से मालूम थी,
कि ऊंट कहां जा रहा है, ऊंट किसको उन्होंने दिया। रात में 3 बजे ऊंट निकला, अपराध मेंबर का हैंडओवर किया, जबकि वो चाहते तो उस ऊंट को, जो ऊंट का मामला है, ऊंट को वन विभाग के हवाले कर सकते थे या अपने आला अधिकारियों को सूचित करते। ऐसा ना करते हुए भी उन लोगों ने अपने मन से फैसला किया, 150 रुपए किलो के हिसाब से 400 किलो ऊंट 60,000 रुपए का बिका था। वो 60,000 रुपए कहाँ गया, वो ऊंट कहाँ गया, ये जांच का विषय है। ये मोहल्ला जमालपुरा या नवापुरा का, ये दोनों बॉर्डर है, नाले का मामला है। और इतना बड़ा ऊंट नाले के अंदर गिरा, रात में 3 बजे निकला, ऊंट पूरा गायब हो गया। खास बात आपको एक और बता दें, बेलवाघाट चौकी के पास, थाना दक्षिण टोला क्षेत्र बेलवाघाट चौकी के पास जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि रात के लगभग 12 से 2 बजे के बीच में 30 से 35 ट्राली लक्ष्य करके ट्रैक्टर पर बालू जाता है, अवैध खनन हो करके। अगर वहां पर मौके पे एक पत्रकार सिंगल पहुंच जाए तो उसकी हत्या हो जाएगी, और इसलिए कोई पत्रकार डर के मारे जाता नहीं है, क्योंकि पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा लग रहा है कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अपराधियों का दलालों का गढ़ बन जाएगा। इंसाफ बताओ, 35-35 गाड़ियां वहां से बालू ट्रक लद के जाते हैं, जो हमारे सीएचओ साहब इस समय है उनकी स्थिति यही है कि किसी भी अवस्था में पैसा कमाने के लिए आए हैं, उनका जो राजस्व सरकारी जो पैसा मिल रहा है उससे उनका पेट नहीं भर रहा है, पेट काफी बड़ा हो चुका है उनका, सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। और इंसाफ बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, थाना दक्षिण टोला के सीसीटीवी में देख सकते हैं कि अपराधियों और स्ट्री शीटरों को किस तरीके से 4-4 घंटा बैठा करके अपने साथ नाश्ता पानी कराते हैं, और जाहिर सी बात है जिस अपराधी के साथ नाश्ता पानी कर रहे हैं उस अपराधी के विरुद्ध किसी भी प्रार्थना